हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक कह रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़, जो कि कॉटन लीव्स होते हैं ना, कपास के जो लीफ होते हैं, तो उसमें जो डिजीज़ लगती है उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कॉटन लीफ कर्ल इज़ अ सीरियस डिजीज़। ये एक सीरियस डिजीज़ का नाम है ऑफ कॉटन, जो कि कॉटन में लगती है, एंड सेवरल अदर मेलवेशियस प्लांट स्पेशल, और बहुत ही दूसरी प्लांट स्पेशीज को भी लगती है। ना सिर्फ कॉटन को लगती है, दूसरी प्लांट स्पेशीज को भी ये कॉटन लीफ कर्ल वाली डिजीज़ लगती है। द डिजीज़ इज़ एट दिस टाइम एंडेमिक थ्रू आउट पाकिस्तान। इस टाइम पर ये डिजीज़ जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में फैली हुई होती है, एंड एपिडेमिक इन वेस्टर्न इंडिया। और अगर हम एंडेमिक बात करें तो ये सिर्फ पाकिस्तान में है। ओके फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान में फैली हुई है। अब एपिडेमिक बात करेंगे ऊपर वाले एरियाज में, तो ये वेस्टर्न इंडिया में फैली हुई है ये बीमारी। अफेक्टेड कॉटन प्लांट्स जो होते हैं ना, एग्जिबिट एडवांस ऑफ सिम्टम्स। अफेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लीफ कर्ल हो जाता है, स्टंटेड, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है। पुअर यील्ड ऑफ कॉटन फाइबर, मतलब उनकी प्रोडक्ट्स बढ़ती नहीं है कॉटन फाइबर की। इन एडिशन, अफेक्टेड प्लांट्स में डेवलप लीफ लाइक आउटग्रोथ्स फ्रॉम द विंड्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर से एक नए लीव्स उनके आते हैं, ये अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ये वाला दिखाया गया है, ये वाला, ये लीफ के अंदर से लीफ निकल रहा है छोटा छोटा सा, तो ये अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। काज इनका क्या होता है, द वायरस इज एसोसिएटेड विद CLCUD कम्प्लेक्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में जो वायरस एसोसिएट किया गया है CLCUB, जिसका नाम है 5 ऑफ विच हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें से 5 जो है ना वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। दिस आर ऑल सिंगल कंपोनेंट बेगोमो वायरस। ये सब क्या है, सिंगल कंपोनेंट बेगोमो वायरस से आए हैं ये वायरसेस। ये जो है ना जीनस बेगोमो वायरस फैमिली, जीनस जो है ना इनका बेगोमो वायरस है, उनकी फैमिली जो है ना वो जिमिनी वेराडी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनका कास्ट है। ये ट्रांसमिशन इनकी कैसे होती है, दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसी। इसकी वजह से, वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसी की वजह से ये बीमारी कॉटन लीफ कर्ल वाली ट्रांसमिट होती है। सिम्टम्स क्या है इसके, द सिम्टम्स इन कॉटन, जो इनके सिम्टम्स हैं ना इन कॉटन में, यूजुअली अपेयर विद इन 2 to 3 weeks। ये 2 to 3 weeks में अपेयर होते हैं कॉटन में। इनोकुलेशन ऑफ बायमेसिया टेबेसी आर इनिशियली करेक्टराइज बाय डीप डाउनवर्ड कपिंग ऑफ यंगेस्ट लीव्स। ये यंगेस्ट लीव्स जो होते हैं ना, नए नए जो आते हैं, उन्हें कप कर लेती है डाउनवर्ड से, डीप, वो भी डाउनवर्ड से इन्हें खाती रहती हैं, जो बेमेसिया टेबेसिया या कहें तो वाइट फ्लाई जो होती है ना वो। दिस इज़ फॉलोड बाय आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव मार्जिन्स। ये फॉलो किया जाता है, मतलब नीचे से हो या ऊपर से, ये लीव की मार्जिन्स को कर्ल करती रहती हैं, स्वेलिंग उन्हें सुझा देती हैं, स्वेल कर देती हैं। ठीक है, डार्कन ऑफ दी विंड्स, उनकी विंड्स जगह जो है ना वो डार्क हो जाती हैं, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ इनेशन और ऑन द विंड्स, और क्या होते हैं आउटग्रोथ, इनेशन मीन्स आउटग्रोथ हो जाती है विंड्स के ऊपर भी छोटी छोटी सी, विच फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट ऑन वैरायटी, जो कि डिपेंड कौन सी पर करती है, वैरायटी पर करती है। डेवलप इन टू कप शेप लीफ लाइफ स्ट्रक्चर्स, जो कि डेवलप होते हैं कप शेप लीफ लाइफ स्ट्रक्चर्स के। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इनका क्या है, ये कैसे ट्रीटमेंट होता है, उनका प्रिवेंशन कैसे होता है। कंट्रोल ऑफ CLCUD एज मैनली बेस्ड ऑन इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट्स। ये इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट से होता है, क्योंकि ये जो है जिसके वजह से ये कास हो रहा है, ये एक वाइट फ्लाई है, तो ये इंसेक्ट में ही आ जाती है। अगेंस्ट इंसेक्ट वैक्टर बेमेसिया टेबेसी, जिसे हम कहते हैं ये हमारे इंसेक्ट वेक्टर है, तो हमें से इंसेक्टिसाइड यानी कि मच्छर मारने वाली दवाएं होती है ना, उससे ही ट्रीट कर सकते हैं। रोग्रोइंग द रिमूवल ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स, यहाँ
हम जो अफेक्टेड प्लांट्स हैं ना जिसमें ये बीमारी लग चुकी है इसे रिमूव कर सकते हैं, जिसे हम रोगोइंग कहते हैं। पार्टिकुलरली ऑफ रेटून का कॉटन फ्रॉम द प्रीवियस सीजन क्रॉप, ठीक है, इज रिकमेंडेड बट अपीयर्स टू हैव लिटिल अफेक्ट इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। इन पर डिजीज नहीं होती, जो कि सीजन क्रॉप होती है ना रेटून कॉटन की खास तौर पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी टेबल बनी हुई है, लूसेज ड्यू टू द कॉटन लीफ कर्ल डिजीज इन पंजाब पाकिस्तान। पाकिस्तान और पंजाब में जो कॉटन कर्ल डिजीज की वजह से लूज यानी कि नुकसान हुआ है वो क्या है, ईयर 2002-03 में 357.7 पार्शल था, कंप्लीट जो था 2.05, टोटल जो है वो 359.58 है। लूज जो होता है प्रोडक्शन में, अच्छा ये एरिया हमें गिवन है, ये वाली है कंप्लीट एरिया इतनी है, पार्शल इतनी है और टोटल इतनी है, ठीक है। और लूज इन प्रोडक्शन में 265.0 लूज हुआ है। ओके, और जो लूज इन पाकिस्तान रुपीज़ में हुआ है ना वो 2253 हुआ है। 2003-04 489.5 जो है पार्शल है, कंप्लीट जो है वो 14.12 है, टोटल 503.62 है। लूज इन प्रोडक्शन जो हुआ है 514.2 है, और से अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो ये 4589 मिलियन है। ओके, मिलियन यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए हम मिलियन पढ़ेंगे, और ये बेल्स में है। 2004-05 जो है 1-67.4 यहाँ पर पार्शल है, 31.37 कंप्लीट है, टोटल 1-98.77 है। जो लूज हुआ है हमारा लूज इन प्रोडक्शन वो 987.1 है, पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 9,209 मिलियन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी सारी की सारी लिस्ट है, ये आप खुद भी देख सकते हो। तो सोर्स जो है पाकिस्तान कॉटन ग्रोवर 2009, CCRI मुल्तान है, डेट 2005-06 नॉट रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड नहीं है। कंट्री सी मिस्टर सरदार मुस्तफ़ा जो है PRS इस्लामाबाद, मिस्टर तारिक महमूद मुल्तान, CCRI ये कंट्री सी है, क्वार्ट ऐसी है। ओके फ्रेंड्स, और इकोनॉमिक लूज ऑफ लूज फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन ऑफ बर्ड फ्लू इन पाकिस्तान, बर्ड फ्लू की वजह से जो इकोनॉमिक लूज हुआ था वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो वो क्या 2004-05 8 मिलियन लूज हुआ था, और 2006-07 24 मिलियन लूज हुआ था। तो इनका सोर्स भी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान से है, उनकी कॉर्डेसी जो है वो डॉक्टर खालिद नईम, डॉक्टर अफजल, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।